ऐसे कर्म करें कि हम हमारा जो संबंधी है वो ऊपर बैठे हैं। हमारे संबंधी कौन है? भगवान। तो हम ऊपर की तरफ बढ़ें, हम नरकों की तरफ ना बढ़ें। भगवान, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता है? आपने कहा हमें सुख ज्यादा है। देखो हम सुख मान बैठे हैं, पर सुख तब तक नहीं है जब तक मन प्रभु में ना लग जाए। जो तलाश है ना, वो तलाश प्रभु के चरणों की है। जब मन भगवान में लग जाता है तब ऐसा लगता है कि जो पाने आए थे वो पा लिया, वो संतुष्टि है। और जब तक, जब मैं वृंदावन से बाहर जाता हूं ना, कथाओं में कहीं 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 आप जानते होंगे कि ये दास अनिरुद्ध वृंदावन से बहुत कम बाहर जाता है। क्या करें, हम एक बीमारी हो गई है, और वो बीमारी यही है कि जब हम वृंदावन से बाहर जाते हैं ना तो हमारा मन नहीं लगता। बहुत कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। मेरी भी बड़ी तलाश थी, पर सच बता रहा हूं, जब से वृंदावन में हूं, बिहारी जी ने, राधा रानी ने चरणों में रखा, ऐसा लगता है कि सारी तलाश पूरी हो गई। बस यही उद्देश्य था, पूरा हो गया। धाम का वास प्रभु। यहां ये फायदा है कि आप सब भक्तों के दर्शन और आप सब भक्तों की चरण धूली उड़ करके माथे पर पड़ती रहती है। आप भक्तों का दर्शन होता रहता है, भक्तों का दर्शन तो सब जगह हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये धाम है, वृंदावन जैसा तो वृंदावन ही है, और क्या हो सकता है। इसलिए हम वृंदावन से बाहर इसलिए कम जाते हैं क्योंकि अब बहुत पहले हम बहुत बाहर ही बाहर रहा करते थे। अब बिहारी जी ने यहां सेवा दे दी कि तुम यहीं रहो और यहीं कथा सुनाओ, यहीं सेवा करो। तो अधूरापन यहां आकर पूरा हुआ, वो तलाश थी जो। ऐसा वृंदावन में आओ तो ऐसा लगता है ना जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में आ गया ना, तो उसे लगता है कि सब मिल गया, अब जरूरत नहीं है। बस ऐसी हमें वृंदावन से बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बच्चा अपनी माँ से दूर हो गया, और आते हैं तो ऐसा लगता है कि बिहारी जी की गोद में आ गए, राधा रानी की गोद में आ गए। ये धाम हमें किशोरी जी की गोद जैसा लगता है। यहाँ का वास हमें बिहारी जी की गोद में, श्री राधा रानी की गोद में, जैसे बछड़ा अपनी माँ के पास आकर, गाय के पास आकर निर्भय हो जाता है, सुखी हो जाता है। बच्चा अपनी माँ से लिपट कर सुखी हो जाता है। ऐसी ये धाम हमें एक माँ की अनुभूति कराती है, राधा रानी की अनुभूति कराती है, श्याम सुंदर की अनुभूति कराती है। अब तो ऐसा लगता है कि अब जब शरीर ही पूरा हो तभी बाहर की कोई बात हो, वरना धाम वृंदावन तो वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, धन्य है ये वृंदावन। इसलिए वृंदावन को सामान्य आंखों से देखोगे तो वृंदावन तो सामान्य दिखेगा, पर जब भगवत कृपा की आंखों से देखोगे तो ये राधा रानी की गोद के रूप में तुम्हें नजर आएगा, श्याम सुंदर की गोद के रूप में तुम्हें दर्शन होगा। इसलिए हम बाहर कम जाते हैं, जाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ जाएंगे जनवरी में, 19 जनवरी से कथा है छत्तीसगढ़ में। इसलिए बिहारी जी के चरणों की सेवा बिहारी जी ने दे रखी है, वही करते हैं। और आप सब लोग यहीं आ जाते हैं, आप सबका दर्शन यहीं कर लेते हैं, ठीक है। धाम, धाम जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग भी कुछ समय बेटा बहू से मन हटाकर कुछ समय धामों में गुजारा करो, और सामान्य दृष्टि से ना गुजारा करो। वृंदावन को देखने के लिए ना नजरें चाहिए, वृंदावन को समझने के लिए नजरिया चाहिए। सामान्य दृष्टि तो ठीक है, पर धाम की बड़ी महिमा है। यहां
क्या क्या बताएं हम आपको, यहाँ चाहो आप या मत चाहो आपके कानों में भगवान का नाम पड़ता रहेगा। आते जाते संतों का, अब शहरों में ना संत मिलते ही नहीं है। शहरों में आजकल संत नहीं मिलते, कम से कम अब संतों को दूर से देखकर ना प्रणाम कर लो, चलो ये संत हैं भजन करने, ये परिक्रमा मार्ग है। रोज सब बड़े बड़े संत यहाँ परिक्रमा लगाते गुजरते हैं। इन पापी आंखों का तो यही लाभ है कि ये पापी आंखें दूर से ही इन संतों का कम से कम दर्शन तो कर पाती हैं।